किसान भाइयों, आजकल जैसे कि आपको विदित है कि गेहूं का बोने का समय चला हुआ है और उम्मीद है कि काफ़ी किसान भाइयों ने तो अभी तक गेहूं की बिजाई कर भी ली है, जो समय से प्रजातियां बोई जाती हैं गेहूं की। सबसे मुख्य रोग है गेहूं के जो बीज में रहता है वो है लूज सुमट, जिसको खुला कंडवा के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आपने अपने खेतों में प्रायः देखा होगा, जब फसल बड़ी हो जाती है, बाड़ियाँ आ जाती हैं, तो उसमें काला दाना पड़ जाता है और वो जो काला दाना है वो जो फफूंद के स्पोर हैं वो होते हैं उसमें। और इसी तरह से दूसरी और भी बीमारियां हैं जो बीज में रहती हैं, जैसे एक रोग है करनाल बंट, तो ये करनाल बंट है, इससे दाना काला पड़ जाता है और ये भी आपको तभी दिखेगा जब आप अपना जो पैदावार है जब घर लेके आएंगे तो उसमें कुछ दाने काले मिलेंगे। और एक बीमारी और है हेड स्कैब, जो हेड स्कैब है वो बीमारी केवल उन क्षेत्रों में आती है जहाँ पे ज़्यादा नमी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों हैं तो वहाँ पे एक फंगस है फ्यूजेरियम, उससे उसका जो पिंक गुलाबी कलर का उसमें बालियों में आ जाती है फंगस। और एक और है दवजकंड, तो दवजकंड भी कई एरिया में हमें देखने को मिलती है, वो भी बीज में रहती है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो बीज में रहती है, उसको हम बोलते हैं परण जुलसा रोग। तो मैं किसान भाइयों आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बीज को बोने से पहले इन बीमारियों से बचाव के लिए अपना बीज का उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों, जो ये कवक रोग हैं इसके लिए आपको जो दवाई है वो है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम दूसरे नाम से, जैसे बेविस्टिन के नाम से आती है, और एक है दूसरी कार्बोक्सिन जैसे वीटावैक्स। सो आप ये जो दवाइयाँ लेंगे ये 2 से 2.5 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। और एक दूसरी दवाई और है टैबुकोनाजोल 2DS, जैसे रैक्सिल का नाम आपने सुना होगा, वो 1.25 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप उपचार कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कम दवाई का हम अगर उपयोग करें तो फिर आप ट्राइकोडर्मा है, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो उसका आप 4 से 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से उपचार कर दें। और जो ये दवाइयाँ हैं कार्बेंडाजिम कार्बोक्सिन, इनकी आधी मात्रा लें, यानी कि 1.25 ग्राम पर किलो बीज। तो इस तरह से आप अगर बीज उपचार करेंगे, और जो आपको बीज उपचार करना है, जैसे आपने आपका जो गेहूं है उसमें पहले आप ये जो फंजीसाइड है दवाई है आप उसको पाउडर है उसमें उसके ऊपर डाल दीजिए, और उसके बाद फिर बीज को थोड़ा गीला कर दीजिए। आपको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि बस वो दवाई उस पर लग जाए। और उसके बाद आप ये सारा जो विधि है ये केवल आप छाया में ही करेंगे, और फिर उसको बीज को उपचार के बाद छाया में सुखाएंगे, और फिर अगले दिन आप अपनी बिजाई कर सकते हैं।